नमस्कार, मैं आशीष चौधरी, पुत्र श्री किशोरी चौधरी, माता अंजनी चौधरी। आज हम सब एकत्रित हुए हैं अपने माता पिता के 50वें सालगिरह को मनाने के लिए, और इनकी इस खुशी में हम सब शरीक हुए हैं। तो आज ये हम इनके जो 50 साल इनने आपस में एक दूसरे के साथ जो बिताया है, उनकी सुख दुख, उनके अनुभव को जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए इनके यादों के पन्नों को पलट करके हम उन लम्हों को जीने की कोशिश करते हैं। तो पापा जी, आप अपने विषय में कुछ बताइए। मेरा नाम किशोरी चौधरी हुआ। बेसिकली मैं नालंदा जिला के रहने वाला हूँ। मेरा ग्राम बोरवन्ना हुआ। मेरी शिक्षा दीक्षा ग्राम में ही हुई है। उसके बाद मेरी शादी 1974 मार्च में हुई, और मेरी नौकरी पटना में खाद्य आपूर्ति विभाग में, उसके बाद विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ के पद से रिटायर किया हूँ 2014 में। आप लोगों का एक दूसरे के प्रति क्या धारणा थी? पहली धारणा यही था कि मैं ग्रामीण से भी बिलोंग करता हूँ। मेरी शादी पटना शहर में हुई थी। मेरी यही धारणा थी कि मेरी पत्नी मेरे हमसे एडजस्ट करेगी कि नहीं, यही मेरी पहली धारणा रही है। आपकी धर्म पत्नी मेरी माता जी के सबसे प्यारी बात क्या है? हम लोग आपस में हर परिस्थिति में साथ निभाए हैं और निभाते रहेंगे। एक दूसरे का सम्मान, प्यार और भरोसा ही है जो रिश्तों को मजबूती से खड़ा रखता है। यदि आप किसी नवविवाहित जोड़ों को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो आप क्या देना चाहेंगे? निष्पक्ष निस्वार्थ स्वभाव, किसी भी बात पर दृढ़ निश्चय रहना। कौन सा गाना आपके रिश्ते को सबसे अच्छा दर्शाता है? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आपने साथ मिलकर सबसे साहसी कार्य कौन सा किया है? बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए हैं, बच्चों को अच्छी परवरिश दिए हैं। आज जिसका परिणाम है कि आज हमारे बच्चे अपने अपने जगह पर सेटल है, उसकी चिंता हम लोग का नहीं है। यदि आप दोनों छुट्टी पे एक साथ कहीं जाना चाहेंगे तो कहाँ जाने की जिज्ञासा है? रामेश्वरम जाने की इच्छा थी और जाने का मन बनाए हुए हैं। यदि आपको अपने साथी का एक शब्द में वर्णन करना हो तो वो कैसे वर्णन करेंगे? वह मेरी ताकत है, जैसे दीपक के लिए बाती होता है उसी तरह से मेरी ताकत है। आप दोनों में सबसे बेहतर खाना कौन बनाता है? मेरी पत्नी बनाती है। कभी कभी मन करता है तो नॉन वेज मैं बढ़िया से बना लेता हूँ। एक साथ वक्त बिताने का पसंदीदा तरीका क्या है? अपने बच्चों के साथ मिलकर खाने में ज़्यादा आनंद आता है और कहीं घूमने में ज़्यादा आनंद आता है। आप दोनों के कौन कौन से सपने पूरे हुए हैं? बच्चे को अनुशासित रखना, बच्चे को शिक्षा दीक्षा देना और अच्छे परवरिश के अनुसार उनको जगह पर ला देना। आपकी धर्म पत्नी की कौन सी ऐसी प्रतिभा है जिसकी आप प्रशंसा करना चाहेंगे? वो अनुशासन प्रिय है और गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है। आपकी अब तक की सबसे अनोखी तारीख या लम्हा कौन सा है? मेरी अनोखी तारीख मेरी ज्वाइनिंग तिथि है और प्रमोशन जैसे जैसे होते गया यह मेरी अनोख रहा है। आप दोनों में सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन करता है और बार बार कौन मनाता है? वैसे तो मेरी पत्नी छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाती है, मनाना तो हम ही को पड़ता है। अगर आप दोनों को मौका दिया जाए एक दूसरे के लिए कोई एक गाना डेडिकेट करना है तो वो गाना कौन कौन से होंगे? न कजरे की धार, न मोतियों की हार, फिर भी कितनी सुंदर हो। न कजरे की धार, न मोतियों की हार, न कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो।
अपने बच्चों के परवरिश में माता पिता के रूप में किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका रही है? मेरी पत्नी के सबसे ज़्यादा भूमिका रही है, चूँकि उसको समय पर लंच देना, फलना देना, ढिकाना देना, स्कूल भेजना, यही उसकी ज़्यादा अच्छी रही है। आप दोनों अपने अपने साथी की खामी और तारीफ बताइए। मैं अपनी साथी का अच्छाई यही है कि वो साफ सफाई और अनुशासन बातें में ज़्यादा ध्यान देती है, गलत बर्दाश्त नहीं करती है, और खामी में है कि बात बात में रुष्ट हो जाती है। आपके अपने रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात क्या थी? एक दूसरे को निर्णय को सम्मान देना। आपके शादी की इस 50 साल का सफ़र का क्या राज है? विश्वास और सम्मान देना यही रहा है। आप एक ऐसी बात बताइए जो अपनी धर्म पत्नी की आदत को आप बदलना चाहते हो पर चाह के भी बदल नहीं पाते। किसी किसी बातों में जिद्दीपन हो जाना है और उसी को हम समझते हैं कि उसको बदलना चाहते हैं। अपने इस लंबे सफ़र में सबसे अच्छा सुकून वाला लम्हा और सबसे बुरा लम्हा क्या था? अपने सभी बच्चों को अच्छी परवरिश देना यही रहा है। और सबसे बुरा लम्हा? पत्नी का अस्वस्थ रहने के कारण थोड़ा मन में शंका सशंकित होना यही रहा है। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आने वाले दिनों सालों में इच्छा ऐसी हो कि वो पूरी हो? मेरी पत्नी अस्वस्थ रहती है, उसको हम स्वस्थ देखना चाहते हैं, यही मेरी ख्वाहिश है। 50वीं सालगिरह को मनाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि निःशब्द हूँ, अविस्मरणीय है, जिसको ब्याह नहीं कर सकता। अपने पूरे परिवार बच्चों के साथ यह क्षण बिताने में अद्भुत आनंद आ रहा है। अपने पूरे परिवार के बच्चों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सारे बच्चे खुश रहे, अपनी अपनी तरक्की करें और हमको प्यार मिलता रहे और बच्चे के भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।